हेलो बोलो भैया, यहीं पर हूँ भैया। लड़के भी यहीं हैं भैया। क्या घर के काम के लिए आदमी नहीं है तो मैं आ रहा हूँ ना भैया। साइकिल का टायर फट गया था भैया, बस पहुँच रहा हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ भैया। हाँ इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार मिलेगा ना तब बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। चल निकल, अगली बार मिलने तक मेरे जैसे दो शेर और पैदा हो जाएंगे। चल जा जा चल। अबे बजट क्यों बढ़ा रहा है, काम हो गया, छाता नीचे कर भाई। भाड़ा बाद में दे दूंगा ना। ए अब तुम लोग यहाँ खड़े होकर मेरा बजट क्यों बढ़ा रहे हो, जाओ दूसरा कोई काम देखो। डार्लिंग तुम्हें पता है ना दुनिया में अच्छे लोग नहीं बचे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ तुम आज के बाद से अकेली कहीं भी नहीं जाओगी। चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है। ज्यादा लोगों की जरूरत होगी तो तुम्हें भी बुला लूंगा। टाटा। अबे तेरे साथ कौन काम करेगा। बहुत देर से चल रहे हैं हम लोग, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा। क्या हुआ, शांत क्यों हो तुम? वो क्या है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं ना, क्या बात करूं समझ में नहीं आ रहा। पहली बार ऐसा ही होता है, शब्द जुबान से बाहर आने से पहले ही रुक जाते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे साथ भी हो रहा है। सच कहा, पहली मुलाकात में खुल के बात करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार हम घुल मिल जाएंगे तो बातों बातों में कितना वक्त निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ओह बात तो सही है, बात करने से ही एक दूसरे के बारे में पता चलता है, लेकिन अगर नजदीकियां बढ़ानी हो तो उसे जानना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब तुम्हें कैसा लगा था? मैंने सोचा चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए लेकिन प्यार करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से करूंगा। और जब मुझे ये पता चला कि तुम मेरे बचपन की दोस्त हो तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ एक ही होगा कि तुम्हें एक रानी की तरह रखूं। मुझे भी ऐसा ही लगा था, जब मुझे पता चला कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो तभी मैंने सोच लिया कि तुम्हें इस दिल में बसा लूं और फिर जिंदगी भर यहां से निकलने ना दूं। इसमें एक छोटा सा चेंज है। कैसा चेंज? दिल में ब्लड के लिए तो जगह होती नहीं है। हाँ? तो तुम उसमें मुझे कैसे बसा सकती हो? मेरे लिए तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या? चला गया था मेरा बाहुबली। हाँ, मुझे पता चला आप आ रही हो तो मैं पार्लर गया था सजने के लिए। ज्यादा खुश मत हो, वहाँ जाके बैठो। हाँ। बेटा स्वाति, सुना है तुम भगवान के भजन बहुत अच्छे गाती हो, तो फिर आज सबको सुना दो। ओम सत्य देवाय नमः, ओम सत्य भूताय नमः, ओम सत्य पुरुषाय नमः, ओम सत्यनाथाय नमः, आपने उसे आने के लिए बोला था ना? अरे बोला तो था। दादाजी आजा आजा। उसे पूछो ना उसने कुछ सोचा है क्या,
क्यों बेटा, तुम शहर वापस कब जा रहे हो? क्यों? वो पहले हम बुलाते थे तो आता ही नहीं था, और इस बार देखो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई खास बात है क्या बेटा? वो क्या है ना, आजकल इसका दिल इसके पास नहीं, किसी और के पास है। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें क्या पागल समझ रखा है? आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो क्या है कि इतने दिन बाद गांव आया हूँ तो आप लोग को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा। इसलिए मैं यहाँ पर दो चार दिन और रुकना चाहता हूँ। ये बता, हमें छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है या किसी और को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है? दादी आप ये क्या कह रही हैं, मेरा इस गांव में आप लोगों के अलावा और कौन है? छोड़ो। अच्छा ये बता, तुझे स्वाति पसंद है ना? स्वाति? कौन स्वाति? जीतू झूठ मत बोल, उस दिन पूजा में भगवान से ज्यादा तू किसे देख रहा था ये सबको पता है। तुझे स्वाति पसंद है ना? अरे हिम्मत करके बोल, तू मेरा पोता है। स्वाति मुझे पसंद है, हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो अब इंतजार किस बात का, तैयार हो जाओ, सीधे लड़की वालों के घर चलते हैं। अरे अरे शंकर भाई, अचानक पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आओ, 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 आओ। आप लोग मेरे घर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अचानक इस तरह से, कोई खास बात? एक बहुत ही खुशी की बात है, मेरे और तुम्हारे घर वाले आपस में मिलकर एक फंक्शन करना चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे फंक्शन ही करना था ना, तो आप एक बार ऑर्डर तो करते, वो भी हो जाता। ऑर्डर करने वाली बात होती तो ऑर्डर भी करते, लेकिन ये बात दोनों परिवारों की खुशी से जुड़ी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ बात क्या है? वो मेरा बेटा जीतू। हाँ बोलो बोलो, मुझे पता है। जीतू आपकी बच्ची स्वाति को पसंद करता है, इसलिए हम सब आपके पास रिश्ता लेकर आए हैं। अगर आप हाँ कहें तो हम स्वाति को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। देखो बेटी, हमारी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है, लेकिन एक बार उसके माँ बाप से पूछ लेते तो। ये बात भी सही है, जब ये लोग भी यहीं पर हैं तो इनसे भी पूछ लेते हैं। आपके लड़के के बारे में बहुत सुना है, संस्कारी है, मेहनती है, पढ़ा लिखा है, अच्छा काम करता है, अच्छा कमाता भी है। इसके अलावा उसके माँ बाप, दादी दादा, पूरा खानदान अच्छा है। ऐसे खानदान में लड़की देने से हमें क्या एतराज हो सकता है? लेकिन शादी तो उसे ही करनी है ना? हाँ बिल्कुल, तो एक बार स्वाति से पूछ लेते हैं। पिताजी अब आगे बढ़ने से पहले लड़की से भी पूछ लीजिए। आ जाओ बेटी, आ जाओ। आ जाओ बेटा, खुश रहो। स्वाति तुझसे कुछ बात करनी है, ये लोग तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं, अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। सबने हाँ भी कह दिया है, तुझे भी ये रिश्ता पसंद है ना? बोलो बेटा। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। अब तो लड़की ने भी हाँ कर दी है, तो फिर देर किस बात की, चट मंगनी पट ब्याह। लड़का लड़की को बुलाओ। लड़की यहीं पर है। लड़का कहाँ है? लड़का कुछ जरूरी काम से बाहर गया हुआ है, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा सुनो, अब तक तो सारे काम अच्छे से संपन्न हो गए, लेकिन एक बहुत जरूरी काम बाकी है। वो पता है क्या है? मैं केवल रिश्तेदारों को ही नहीं बुलाऊंगा, आस पड़ोस के सारे गांव वालों को बुलाऊंगा और धूमधाम से शादी करूंगा। ऐसी शादी होगी कि दुनिया देखेगी। Oh,
सारी गलती मेरी है। मुझे इस गांव में वापस ही नहीं आना चाहिए था और स्वाति से भी प्यार नहीं करना चाहिए था। मेरे प्यार ने ही इन लोगों की जान ले ली। इन सबकी मौत का कारण मैं हूँ। मेरी वजह से मेरा परिवार खत्म हो गया। मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। मैं भी अब जिंदा नहीं रहूंगा। भागना नहीं चाहिए। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक परिवार बनाऊंगा, इससे भी बड़ा परिवार, और मैं सिर्फ उसी परिवार के लिए जीऊंगा जहां सिर्फ खुशियां होंगी। अगर मैं उस दिन मर जाता तो आज आप लोग के सामने नहीं होता, यह आश्रम भी नहीं होता। आप लोगों को देख के लगता है मेरा फैसला सही था। श्रुति दीदी क्या आपको पसंद नहीं है भैया? पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। शायद इसी वजह से मैं उसे अपना नहीं पाऊंगा। जीतू, मैंने ये फोटो कहीं देखी है। हाँ, इस फोटो को? हाँ। इस फोटो को तुम कैसे देख सकते हो? हाँ जीतू, मैंने सच में ये फोटो पहले कहीं देखी है। कुछ भी बकवास मत करो यार, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही होगी। जीतू, मैंने ये फोटो अपने घर में देखी है। तुम्हारे घर में? हाँ, मेरे घर में। अभी कहाँ है? दादाजी को पता होगा, चलो उनसे पूछते हैं। दादाजी, इस फोटो में जो लड़की है आपको पता है वो कहाँ है? आज से करीब 20 साल पहले हाईवे पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में सफर करने वाले सारे लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, लेकिन इस बच्ची की किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गई। इसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और इसे लेकर मैं घर पर आ गया। लेकिन लेकिन क्या? देखिए कृष्णा भाई, आपके बच्चे नहीं हैं और इस बच्ची के माँ बाप नहीं हैं। अगर आप इसे अपना लेंगे तो ये अनाथ होने से बच जाएगी और आपको भी जीने का सहारा मिल जाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ। सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। हमारी जिंदगी में अंधकार है, इस बच्ची के आने से उसमें उजाला आ जाएगा। मेरी पत्नी को एक नया जीवन मिल जाएगा। पूरी जिंदगी ये एक संतान के लिए ही तड़पती रही। आपका ये एहसान मैं 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा सर। आप हमारे लिए एक देवता के समान हैं। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर इसकी वजह से आपकी जिंदगी में खुशी आती है तो इस बच्ची को आप लोग अपने घर ले जाइए। बेटी आओ, बेटी आओ, बेटी आ जाओ, बेटी आओ, बेटी ये अभी कहाँ है दादा? बेंगलोर में ही है, मल्लेश्वर मंदिर के जो पुजारी हैं, ये बच्ची उन्हीं के घर में है। हम सब लोग एक परिवार जैसे थे, पर वक्त ने हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन आज वो खुशियाँ मुझे वापस मिल रही हैं। चलता हूँ दादाजी, थैंक्स, थैंक यू सो मच।
याद आती जब जब तेरी, दिल मेरा भर आता, दिल का हर जख्म मेरा फिर ताजा हो जाता, आंखों से आंसू मेरे रुकते ना, याद आना याद आना याद आना याद आना। याद आती जब जब तेरी, दिल मेरा भर आता, दिल का हर जख्म मेरा फिर ताजा हो जाता, आंखों से आंसू मेरे रुकते ना, याद आना याद आना याद आना। सुन के बातें वो मेरा हंसना, बचपन का वो संग संग रहना, उल्टे सीधे सपने बुनना, वो प्यारी सी याद दिल में है भरी, वो लड़ना झगड़ना वो हरकतें तेरी, वो यादें दिल से मेरे जाए ना, याद आना याद आना याद आना याद आना। प्यारा बचपन मिलके बिछड़े याद आते हैं, लम्हा लम्हा तड़पाते हैं, कोई आए समझाए इस पागल दिल को, कोई ढांढस बंधाए इस ना समझ दिल को,